नमस्कार, स्वागत है आपका सत्ता का संग्राम में। और आज बात होगी एक बड़े मुद्दे की, क्योंकि राजस्थान की गहलोत सरकार अब अपना इरादा बना चुकी है। वो टाइम मशीन के जरिए हमको बैड ओल्ड डेज की तरफ ले जाना चाहती है। गहलोत सरकार का एक ऐसा फैसला, एक ऐसा कानून कि जिसकी वजह से अब जो क्राइम है उसको भी वारंट मिल गया है, उसको भी गारंटी मिल गई है। अब क्राइम करने के बाद उसको भी आप सरकारी बाबू के पास जाकर उसको भी वैलिडेट कर सकते हैं। अब कोई चीज गलत है, कानून की नजरों में जो चीज गलत है उसको भी आप सरकारी बाबू के द्वारा सर्टिफिकेट उसका ले सकते हैं। जी हां, राजस्थान सरकार एक ऐसा बिल पारित कराकर बैठी है कि जिस बिल के जरिए अब बाल विवाह जो होगा तो उसका भी सरकार सर्टिफिकेट बांटे। बाल विवाह अगर आप करते हैं तो सरकार उसको भी रजिस्टर करेगी। अब समझ में यह नहीं आता कि अगर किसी चीज के लिए कानून है टू प्रोहिबिट, उसी चीज के लिए यह बिल पास कराकर उसी चीज का सर्टिफिकेट देना इज राइट और रॉन्ग। क्योंकि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 कहता है कि बाल विवाह करना एक नॉन बेलेबल ऑफेंस, बाल विवाह करना एक कॉग्निजेंट क्राइम, बाल विवाह करना एक बड़ा क्राइम, ऐसा बताते हैं वो लोग, जिसके लिए आपको 2 साल तक की सजा भी हो सकती है। लेकिन अब राजस्थान गवर्नमेंट एक बिल पारित कराकर, बिल पास कराकर सामने आई है और वो बिल कहता है कि आप क्राइम करिए फिर उसको जाकर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में दीजिए। तो ये क्या कुछ है, ये क्या तस्वीरें हैं, क्या कुछ राजस्थान सरकार करना चाहती है, बिल लाकर राजस्थान सरकार का उद्देश्य क्या है? जब दर्शकों, जब राजस्थान टॉप करता है इन व्हाट, टॉप करता है चाइल्ड मैरिजेस, भारत में सबसे ज्यादा अगर बाल विवाह चाइल्ड मैरिज कहीं पर होती है वो राजस्थान में। इंडिया में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज को रोकने के लिए कोई अभियान चलाया गया तो वो चाइल्ड मैरिजेस को रोकने के लिए चलाया गया था। लेकिन अब राजस्थान की गहलोत सरकार इसके लिए सर्टिफिकेट बांटे, तो जो चीज अवैध है उसके लिए वैध सर्टिफिकेट कैसे दिए जाएंगे, इसी पर आज डिबेट करेंगे, इसी पर बहस करेंगे। इसके लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े। किस तरीके से राजस्थान में गहलोत सरकार जो है वो एक बिल लेकर आई है और इस बिल के बाद अब क्या कुछ है, क्योंकि अब सियासत गर्मा गई। जो बीजेपी है उसने पूरी तरीके से काउंटर कर दिया है एंड दे आर सेइंग कि गहलोत सरकार बाल विवाह को बढ़ावा देना चाहती है। एंड व्हाट कांग्रेस इज सेइंग, कांग्रेस वालों का कहना है जी नहीं, बाल विवाह होते हैं लेकिन उसको सर्टिफिकेट उसका देना बहुत जरूरी है, लाइक बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, तो ऐसा सर्टिफिकेट देना बहुत जरूरी है, इसको रजिस्टर कराना बहुत जरूरी है। ये कांग्रेस का तर्क है, बीजेपी का तर्क है नहीं, आप इसके जरिए बाल विवाह को बढ़ावा देना चाहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो यह चीज पूछना चाहेंगे कि 21वीं सदी में जब लोग आगे बढ़ चुके हैं, जब लोग इतने ज्यादा लिबरल हो चुके हैं, जब हम लोग प्रोग्रेसिव स्टेज पर हैं, तो ऐसे में पुरानी चीजों को वापस क्यों लाना चाहिए? गहलोत सरकार क्यों, आखिर क्यों एक बार ऐसे ही बिल को पास कराती है, बिल को लेकर आती है जो उन दिनों को ताजा करते हैं जब बाल विवाह राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दा था? क्या कुछ है इस रिपोर्ट को देखिए। बाल विवाह है तो अवैध, लेकिन राजस्थान में अब बाल विवाह का वैध रजिस्ट्रेशन होगा। इसको लेकर राजस्थान विधानसभा में बीते शुक्रवार को एक बिल, विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन संशोधन बिल, खूब हंगामे के बीच पारित कर दिया गया। राजस्थान विधानसभा में इस बिल को लेकर हुई बहस हंगामे से सराबोर रही। विपक्ष ने खूब ना ना की, लेकिन आखिर में बिल को हां का जवाब मिल गया और अब मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी इस बिल को सीधे तौर पर बाल विवाह के समर्थन वाला बिल बता रही है। इसके लिए बीजेपी विधायक सदन से वॉकआउट भी कर गए, लेकिन अंत में ये बिल पारित हो गया और अब इसको लेकर चारों तरफ चर्चा जोर है।
कि आखिर बाल विवाह करना जब अवैध है तो उसका वैध रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्यों कोई अपराध करने के बाद उसका सरकारी सर्टिफिकेट लेने जाएगा। अब जरा विस्तार से समझाएंगे कि विवाहों में अनिवार्य रजिस्ट्रेशन बिल में आखिर क्या कुछ है। अब राजस्थान में बाल विवाह का भी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ब्लॉक स्तर तक अधिकारी इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिनकी नियुक्ति रजिस्ट्रेशन अधिकारी के तौर पर होगी। निर्धारित सीमा से कम उम्र होने पर रजिस्ट्रेशन अधिकारी को इसकी सूचना देनी होगी। रजिस्ट्रेशन अधिकारी को तय फॉर्मेट में इसकी सूचना देनी होगी। रजिस्ट्रेशन अधिकारी बाल विवाह को रजिस्ट्रेशन करेंगे। बिल तो पारित हो गया है, लेकिन बीजेपी लगातार सरकार को घेर रही है और कह रही है कि सरकार इस बिल को पारित कराकर बाल विवाह को बढ़ावा दे रही है। वहीं सरकार का भी तर्क है कि बाल विवाह तो अभी भी अवैध है, बस अगर हुआ है तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा और डीएम चाहे तो उस पर कार्यवाही भी कर सकता है। सभी के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन सोचने वाली बात है कि किसी अवैध कृत को कोई शख्स रजिस्टर कराने के लिए अधिकारी के पास क्यों ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। दर्शकों, मेरी समझ में नहीं आता कि इस बिल के जरिए आखिर गहलोत सरकार की मंशा क्या है, गहलोत सरकार का इरादा क्या है, क्योंकि एक बात समझिए कि जब राजस्थान में सबसे बड़े मुद्दों में शुमार है कि किस तरीके से बाल विवाह को रोका जाए, लगातार इसके लिए कई एनजीओस ने, कई सरकारों ने अपने अपने स्तर से काम किया है, कई अधिकारियों ने अपने अपने स्तर से काम किया है, कई लोगों ने, कई वॉलंटियर्स ने अपने अपने स्तर से काम किया है, तो इसके बाद अब क्यों, आखिर किस वजह से और किन कारणों से एक ऐसा क्लॉज फिट किया जाता है, एक ऐसी जगह बनाई जाती है, एक ऐसा स्पेस बनाया जाता है कि जहां पर अब चाइल्ड मैरिजेस को भी वैलिडेट किया जाएगा। ये कुछ नहीं है, ये राजस्थान सरकार का बड़ा ब्लंडर है। क्योंकि ब्लंडर इसलिए है क्योंकि पूरे राजस्थान में इस पर चर्चा हो रही है और अब यह मुद्दा राजस्थान से बाहर निकल चुका है। अब देश जानना चाहता है कि राजस्थान सरकार आखिर किस इरादे के साथ इस पूरी प्रक्रिया को लाना चाहती है, कि राजस्थान सरकार आखिर किस उद्देश्य से एक ऐसा कानून लेकर आई है कि जिसके जरिए बाल विवाह को आप एक कानून के जरिए जहां अवैध बताते हैं, वहीं दूसरी जगह आप उसको वैध करा देते हैं, आप उसको बताते हैं कि वो अवैध है। आप 2006 में एक एक्ट लाते हैं जिसके जरिए आप चाइल्ड मैरिजेस को प्रोहिबिट करते हैं, एंड नाउ आप शुक्रवार को एक ऐसा बिल पारित करा देते हैं कि जिसके जरिए आप उसमें मॉड्यूलेशंस कर देते हैं, और अब आप ये कहते हैं कि क्राइम करिए, आप अवैध चीज करिए, आपको जो करना है करिए, आकर बस उसका सर्टिफिकेट लेकर चलिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है दर्शकों, कि अगर किसी ने चाइल्ड मैरिज करी है तो उसके लिए सर्टिफिकेट बनवाने कौन जाएगा? तो इसके लिए जो नोटिफाइड है वो ये है कि जिसकी चाइल्ड मैरिज हुई है उसके माता पिता, उसके परिजन जाएंगे सर्टिफिकेट रजिस्टर कराने के लिए। लेकिन सवाल इसके साथ यह भी है कि जब चाइल्ड मैरिज होती है तो सबसे पहले दोषी वही माता पिता होते हैं, क्योंकि चाइल्ड मैरिज में प्रावधान है कि सबसे पहले गिरफ्तारी उन बच्चों के मां बाप की होती है कि जिनकी चाइल्ड मैरिज करवाई जा रही है। अब सोचिए कि जिसकी गिरफ्तारी होनी है, जिसको गिरफ्तार किया जाना है, वो कैसे खुद जाएगा और कहेगा कि मेरा सर्टिफिकेट बना दीजिए, मेरा एक गवर्नमेंट रिलीज्ड सर्टिफिकेट बना दीजिए, मैंने जो कानून का उल्लंघन किया है उसको रजिस्टर कीजिए। और इसके लिए बकायदा सरकार कह रही है कि वो ऑफिसर्स नियुक्त करेगी। तो यह बड़ा सवाल है दर्शक, कि जो चीज अवैध है, जो चीज गैर कानूनी है, उसके लिए राजस्थान सरकार अवैध सर्टिफिकेट, उसके लिए राजस्थान सरकार अब उसका रजिस्ट्रेशन आखिर क्यों करना चाहती है? और यह कितनी बड़ी मौकरी है, कितनी बड़ी मौकरी है कानून की, कि जिस व्यक्ति ने चोरी की है, जिस व्यक्ति ने कानून का उल्लंघन किया है, वही व्यक्ति आप आशा करते हैं कि वही जाएगा और अधिकारियों के समक्ष पेश होकर यह कहेगा
कि मैंने ये गुनाह किया है लेकिन इसका मुझे एक वैलिड सर्टिफिकेट दे दी। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा शेमफुल है कि एक विधानसभा में विधायकगण पूरी बहस करते हैं, चर्चा करते हैं, उसके बाद एक कानून लेकर आते हैं जो सदियों पुरानी कुप्रथा की वो यादें ताजा करता है कि जब देश के एक राज्य राजस्थान में सबसे ज्यादा बाल विवाह देखने को मिलते थे और इसके लिए कई लोगों ने लड़ाइयां लड़ी, जिसके बाद अब बाल विवाह राजस्थान में डिक्लाइनिंग फेज में है, लेकिन फिर भी 20% डिक्लाइन के बाद भी आज भी राजस्थान सबसे ऊंचे पायदान पर है। आज भी राजस्थान में बाल विवाह एक बड़ी समस्या है। बाल विवाह को लेकर तमाम बीती सरकारों ने, वॉलंटियर्स ने, एक्टिविस्ट ने, सभी लोगों ने काम किया, इसको रोकने के लिए तमाम चीजें लाई गई, तमाम कार्य किए गए, लेकिन आज वही सरकार विधानसभा में बैठकर लेकर आती है कानून और कहती है कि ये नहीं, ये भलाई के लिए है। और ये सोचती है, सरकार सोचती है कि लोग आएंगे और सर्टिफिकेट इनसे बनवाएंगे। आपको बता दूं कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर शांति कुमार धारीवाल ने जब इस बिल को पेश किया तो उन्होंने कहा कि इसके जरिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, सिर्फ रजिस्टर होगा। और ये हम नहीं कह रहे, ये हायर कोर्ट कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। लेकिन क्या एक अवैध चीज को आप सरकारी प्रक्रिया के जरिए कानून लाकर उसको वैध कर सकते हैं? इसी पर होगी आज की डिबेट। जो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे एक बार आपका तारुफ करा देता हूं। तो हमारे साथ प्रतिष्ठा यादव जी जुड़ेंगी, जनरल सेक्रेटरी हैं ये कांग्रेस कमेटी राजस्थान से। राहुल तालान जी जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके साथ ही हमारे साथ अशोक सिंह शेखावत साहब जुड़ेंगे, नेता बीजेपी के हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो सबसे पहला सवाल तो आप ही से बनता है प्रतिष्ठा यादव जी। प्रतिष्ठा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्लियरली? जी ठीक है। प्रतिष्ठा जी, आप मुझको सुन पा रही हैं? क्योंकि जो मैं सवाल करने जा रहा हूं वो थोड़ा सा ब्लर्ड आपको सुनाई देगा, ऐसा मुझे लगता है। जी प्रतिष्ठा जी, प्रतिष्ठा जी कोई टेक्निकल फॉल्ट है आपकी शायद आवाज जी? जी प्रतिष्ठा जी, सवाल मेरा आपसे है सबसे पहला, क्योंकि आप गवर्नमेंट में है। तो प्रतिष्ठा जी, सवाल है कि जब राजस्थान में बाल विवाह एक बड़ी समस्या है, जब राजस्थान में इतने सालों की मेहनत के बाद 20% डिक्लाइन के बावजूद राजस्थान टॉप करता है चाइल्ड मैरिजेस में, जब बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 कहता है कि एक बड़ा क्राइम है, इसके लिए आपको 2 साल की सजा हो सकती है और ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और इसके साथ ही प्रतिष्ठा जी, जब बाल विवाह को लेकर तमाम लोगों ने लड़ाइयां लड़ी और इसके लिए इसको बंद कराने की तमाम कोशिशें करी, और जब ये क्राइम है तो आपकी सरकार को ऐसा क्यों लगता है कि इस काम को करने के बाद, एक क्राइम करने के बाद, लोग आपके पास आएंगे और इसको वैलिडेट कराने के लिए एक आपसे रजिस्टर करवाएंगे, आपसे सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे, आपको ऐसा क्यों लगता है? नहीं, इसमें एक चीज ये है कि ये रजिस्ट्रेशन का जो प्रावधान था बाल विवाह का, ये बीजेपी सरकार का पहले से लाया हुआ है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें खाली तो हमारी सरकार है, उसने इसके अंदर इसकी एज घटाई है, क्योंकि उस टाइम 21 एज थी इसका, कि कम से कम 21 के इसका मतलब जब लड़का 21 साल का होता था तो वो रजिस्ट्रेशन करा सकता था। तो हमारी जो सरकार है उसने इसको 18 साल किया है कि ये 18 साल का भी इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करा, लड़की रजिस्ट्रेशन करा सकती है। इसके अंदर हमने ये कानून पहले से था, 2016 के अंदर भी जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, कानून हमारा लाया हुआ नहीं है, इसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा। उस टाइम भी 4 बाल विवाह रजिस्टर्ड हुए थे, 2017 के अंदर भी 10 बाल विवाह रजिस्टर्ड हुए है। आप इसका निकाल लीजिए, डाटा आपके सामने मिलेगा। तो ये हमारा लाया हुआ बिल नहीं है, इसके अंदर सिर्फ संशोधन किया है हमारे जो सरकार है, गहलोत साहब ने इसके अंदर संशोधन किया है कि इसके अंदर लड़की भी 18 साल की एज के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन की एज कम की है, क्योंकि जो 16-17 साल की जो के अंदर जो विवाह होते थे तो उसके उनका रजिस्ट्रेशन आप एक तरह से देखिए कि अगर
कुछ कम एज के अंदर जो शादी हो गई और रजिस्ट्रेशन नहीं होता था तो उसका एक नुकसान ये होता था कि जो हमारी अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती तो महिलाओं के प्रति एक ऐसा व्यवहार बन जाता था उसमें। तो इसलिए ये इन चीजों को देखते हुए इसके अंदर संशोधन किया गया है कि इसकी जो एज थी वो 21 से घटाकर 18 की गई है। ठीक है, ये कानून बीजेपी सरकार का लाया हुआ है, हमारा नहीं। ठीक है प्रतिष्ठा जी, एक सवाल आपसे ये है कि आपको नहीं लगता कि इससे लोगों के बीच एक कंफ्यूजन पैदा होगी कि आप लोग बाल विवाह को कहीं ना कहीं पुश कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा दे रहे हो, ऐसा लोगों के बीच संदेश नहीं चला जाए? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। बाल विवाह के खिलाफ जो भी सरकार की जो बिल्कुल उसमें बैठ है उसको रोकने के लिए पूरी कोशिश प्रयास उसके लिए हमेशा किया जाता है। और राजस्थान में तो क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं, मेरा भी मानना है कि बाल विवाह यहाँ बहुत ज्यादा होते हैं, एजुकेशन का अभाव है, लेकिन जब शादी हो जाती है तो उसके बाद में अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो जो हमारी महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनके साथ किस तरह का उसके अंदर व्यवहार होता है उनका, अगर मान लो कोई मिसहैपनिंग हो गई इस दौरान तो उसके अंदर उनको कोई, उनके पास कोई अधिकार नहीं होता कि उनकी शादी हुई थी। तो उस एज को कम किया है, ना कि इसके कानून को लेके आए हैं, ये बिल्कुल भी नहीं। कानून तो पहले से ही जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी 2009 में तब का ये आया हुआ कानून है, ये हमारी सरकार का लाया हुआ कानून नहीं। जी बिल्कुल ठीक है, अशोक सिंह के पास चलते हैं। अशोक सिंह जी, ये तो कह रहे हैं कि आपका लाया हुआ कानून है, बस इसमें स्लाइट मॉडिफिकेशन इनके द्वारा किए गए हैं। ये कह रहे हैं कि इसकी जरूरत है क्योंकि अगर कल को कोई जो 18 प्लस हो जाते हैं, जो महिला जिनकी शादी बाल विवाह इनका पहले ही हो चुका था लेकिन अब वो 18 प्लस हो गए हैं, तो उनके पास कुछ तो होना चाहिए, कोई सर्टिफिकेट तो होना चाहिए दिखाने के लिए कि हाँ उनकी शादी हो चुकी थी। तो ये इसको इस एंगल से बता रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखो कि जिस प्रकार से आप कांग्रेस सरकार का पौने 3 साल का कार्यकाल उस कार्यकाल में आप देखो नौटंकी ज्यादा होगी, और प्रतिष्ठा जी भी क्या करें, उनको तो करना है, अब बीजेपी गवर्नमेंट ले रहे हैं भाई, कानून आप अभी लेके आए हो, 18 साल से कम का आपने प्रावधान किया है, चाइल्ड जो मैरिज का जो एक्ट था उसके अंदर प्रावधान है, सजा का प्रावधान है, 2 ईयर है, फाइन भी है, उसके बावजूद भी आप एक उसको हमने घटाया नहीं है, आपकी सरकार थी वो लेके आई, आपने देखा नहीं, आपने सेक्शन 8 देखिए आप 2021 में आप लेके आए, 2009 का भी 8 देखिए उसमें देखिए, लेकिन हमने उसके बारे में कहा, उस समय के बारे में कहा, 2009 के अंदर कांग्रेस से सरकार आ चुकी थी, यदि उस बिल के अंदर आया तो प्रतिपक्ष के नेता है, उन्होंने उसकी बात भी वहां रखी भी है, ये बात नहीं पटल के ऊपर रखी है, लेकिन उन्होंने कहा, खंडन किया है इस बात का कि आप बाल विवाह को कैसे प्रोटेक्शन करोगे, आप बाल विवाह को आप प्रोत्साहित कर रहे हो काम नहीं, ये प्रोत्साहन के लिए नहीं है ये, क्योंकि जो बाल विवाह हो जाते हैं बहुत आप और आपकी सरकार और हमारी सरकार के प्रयास के बावजूद भी नहीं, जो बाल विवाह हो जाते हैं जो कानून में नहीं है ना, उनके साथ अगर कोई उसको लीगलाइज नहीं कर सकते, आपने 4 शादियां रजिस्टर्ड की, आपने 2017 के अंदर आपकी शादियां रजिस्टर्ड हुई, आप कानून के हिसाब से नहीं है, अरे आप कानून की बात कीजिएगा, आप मुझे बताइए ना, कानून में है क्या 18 से कम वालों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है क्या, ये बता दीजिए, आपने तो किया ना प्रतिष्ठा जी, मैं कह रहा हूँ एक बता दीजिए, आपके मैनिफेस्टो में था ना, क्या 2016 में आप निकाल लिए, आप निकाल के देखिए 2016 के अंदर 4 शादियां आपने रजिस्टर्ड की, 2017 में आप रहे हो, आप विवाह रजिस्टर्ड हो, आप निकाल के देखिए, मैं बता रहा हूँ, प्रतिष्ठा जी अशोक जी को भी बोलने दीजिए, उनको भी अपना वर्जन रखने दीजिए, वो क्या कहना चाहते हैं? अब देखो कि ये कानूनी बात करना चाहे या पॉलिटिकल बात करना चाहे, पॉलिटिकल बात में ये इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा पेज नंबर 28 पर कि चाइल्ड मैरिज को हम घटाएंगे, चाइल्ड मैरिज को रोकने की प्रयास करेंगे, इन 3.5 साल में बता दीजिए आपने ऐसा कौन सा काम किया चाइल्ड मैरिज को, आपने ये कानून जरूर लेके आए बढ़ावा देने वाला कानून, आपके धारीवाल जी बोल नहीं पाए उसके अंदर, कोई भी कानून आता है तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है,
ऑब्जेक्टिव आप बताएंगे कि इस कानून से क्या होगा? आप बता दीजिए कौन पेरेंट्स है जो जाकर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या ब्लॉक मजिस्ट्रेट के पास में जाकर के उसका रजिस्ट्रेशन कराएगा? उसका गार्जियन कौन है, कौन कराएगा? मुलजिम बनेगा वो अपना, 2 साल की सजा होगी। आपने तो उसमें प्रावधान कर दिया, आप पता नहीं कौन से लेके 2002 में आपकी सरकार थी और उसका हमने कहा है, उसके नेता ने कहा है भाई लेके आप आए हो और लेके गए बीजेपी को लेके आ रहे हो। कानून कौन लेके आया? आप लेके आए हो ना कानून? अभी तो प्रतिष्ठा जी आप कह रही हैं कि बीजेपी कानून लेकर आई है, आप कानून लेकर आए हैं। देखिए एक बात क्लियर कर दूं, सरकार एक सेकंड रुकिएगा अशोक जी। प्रतिष्ठा जी, सरकारें कभी नहीं बदलती हैं, सरकार में चेहरे बदलते हैं। कभी बीजेपी आ सकती है, कांग्रेस आ सकती है, सरकार की जो वर्किंग कैपेसिटी है, सरकार का जो काम करने का तरीका है वो एक ही रहता है। अगर आपको लगता है कि बीजेपी लेकर आई थी, आप बार बार कह रही हैं कि बीजेपी लेकर आई थी, हमने उसमें सिर्फ थोड़े से बदलाव किए हैं, तो अगर बीजेपी लेकर आई थी, या तो आप उस चीज का समर्थन कर रही हैं, या फिर अगर आप समर्थन नहीं कर रही हैं, तो फिर आप आज जो अपने कानून लेकर आए हैं उसको आपने खत्म क्यों नहीं किया, क्यों उसमें थोड़ा सा भी बदलाव किया? कानून के अंदर संशोधन किया गया है, कानून में संशोधन किया है, तो फिर आप बार बार इसको आप आरोप के सेंस में क्यों कह रही हैं कि बीजेपी लेकर आई है, बीजेपी लेकर आई है? आपको मैं बता रही हूँ, आपको आप मान ही नहीं रहे तो उसका फिर आप रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाइए और डाटा निकलवाइए। आपने 2016 माइनर के लिए किया। अच्छा प्रतिष्ठा जी एक सवाल का जवाब दीजिए, आपको क्लियर करता हूँ चीजें। अगर बाल विवाह प्रतिष्ठा जी एक मिनट, ये कानून का मजाक नहीं है तो क्या है कि अगर किसी व्यक्ति ने, उसको पता है कि साइकिल चोरी करने पर इतनी इतनी सजा होती है, उसको 6 माह के लिए, 1 साल के लिए जेल हो सकती है, तो आपको लगता है कि एक चोर सर्टिफिकेट अगर आप बनवाएंगे और वो साइकिल चोर जाकर कहेगा कि देखिए मैंने चोरी की है साइकिल की, उसका सर्टिफिकेट दे दीजिए, तो क्या आपको दिया जाएगा? क्योंकि जो माता पिता हैं वही सबसे पहले वही आरोपी बनाए जाते हैं। अगर चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह कहीं पर होता है तो जो बच्चे हैं उनके जो माता पिता हैं उन्हीं को सबसे पहले आरोपी बनाया जाता है, उन्हीं को सजा देने का प्रावधान है। तो ऐसे में अब आप कह रहे हैं कि वही माँ बाप एक रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि हमने बाल विवाह कराया है, उसका सर्टिफिकेट दे दीजिए, उसको रजिस्टर कर लीजिए, ये कैसे पॉसिबल है? इसकी पॉसिबिलिटी के चांसेस बताइए कि ये कैसे पॉसिबल है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो जाएंगे और वो बताएंगे जब उन्हें पता है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, बताइए। ये तो पेरेंट्स खुद सोचेंगे, सरकार का की जो मंशा थी वो ये है इसके पीछे की भाई जो विवाह हो जाते हैं। प्रतिष्ठा जी, सरकार की प्रतिष्ठा, क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर अगर हम राजस्थान की पृष्ठभूमि की बात करें तो यहाँ एक साथ मतलब कई शादियां होती है परिवार में, एक शादी नहीं होती, 4-4, 5-5 बच्चों की एक साथ शादी हो जाती है। उसमें जैसे 2-3 लड़कियों की एज थी लेकिन साथ में एक लड़की की जो एज भी नहीं थी, अंडर एज बच्चे की भी शादी कर देते हैं पेरेंट्स। सरकार इसके प्रति पूरा रवैया अपनाती लेकिन उसके बावजूद भी चोरी छिपे शादियां हो जाती, लेकिन जब ये ऐसी शादी हो जाती है तो उस जिसकी शादी हुई है उसके साथ भी तो कोई न्याय हो। मान लो गलती से ही जो चीज हो गई, सरकार के एक कानून नहीं था तब भी शादी ये संशोधन से पहले भी प्रतिष्ठा जी, प्रतिष्ठा जी यहाँ रोकूंगा प्रतिष्ठा जी, क्योंकि ये एक जो सवाल है उसी के आसपास जवाब में रहते हैं, क्योंकि ऐसे मैं भी समझ लूंगा बाद में आपसे समझेंगे, लेकिन अभी ये बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जिसने कोई गलत काम किया है वो जाकर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास कहेगा कि इस चीज को रजिस्टर करिए, इस चीज का मुझको सर्टिफिकेट दीजिए, आपको ऐसा क्यों लगता है? आप बताइए कि इसके कितने चांसेस हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, आपकी सरकार ने इसमें कौन सी पॉसिबिलिटी देखी कि इसको कानून की शक्ल दी, ऐसा क्या है इसमें, ये बताइएगा। आपको क्यों लगता है कि कोई अगर क्राइम कर रहा है जिसको पता है कि इसमें 2 साल की सजा हो सकती है और वो जाएगा अधिकारी के पास और खुद रजिस्ट्रेशन कराने की बात कहेगा, ये कैसे पॉसिबल है? इसकी पॉसिबिलिटी के चांसेस बताइए। इसके अंदर अगर क्योंकि बहुत सारी ऐसी जो मैं आपको बताती हूँ उसी चीज किसी के आसपास की ही बात कर, दूर की नहीं कर रही, तो इस तरह की जो मैं आपको पहले बता रही थी किस तरह की कंडीशन ऐसी बहुत जगह हो जाती है जो हमारे कानून के स्टिक होने के बावजूद भी, प्रशासन के स्टिक होने के बावजूद भी लोग चोरी छुपी शादियां कर देते हैं, बाल विवाह हो जाता है। तो बाल विवाह हो जाने के बाद में अगर आप उसको जब बाल विवाह चोरी छुपे हो जाता है तो आप उसको वैलिडेट करेंगे?
नहीं आप एक बात बताइए, आप नहीं कर रहे तब क्या शादियां नहीं हो रही? आप इस चीज को मानते हैं कि बाल विवाह नहीं हो रहे? ठीक है, हम चोरियां भी हो रही है, डकैती भी हो रही है, लूट भी हो रही है, मर्डर्स भी हो रहे हैं, इन सबको भी वैलिडेट कर दीजिए। चोरी इन सबके भी सर्टिफिकेट, चोरी 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 और इसके पीछे बहुत बड़ा फर्क, आप चोरी से इसकी तुलना कर रहे हैं। बाल विवाह हो गया, फिर उसके बावजूद क्या हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जिस लड़की की शादी हो गई उसके उसको उसका राइट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसके लिए मैं भी एक महिला हूँ, अगर पेरेंट्स ने किसी की भी गलती से बाल विवाह भी एक बच्ची का कर दिया, चार बच्चियां उनकी एज की शादी की लेकिन एक बच्ची का साथ में कर दिया, क्योंकि गरीबी भी इसके पीछे एक रीजन है कि लोग अलग अलग शादियां नहीं कर सकते, इसलिए एक साथ बहुत सारी शादियां कर देते हैं। मैंने खुद देखा है इंटीरियर में ऐसा होता है, उनको प्रतिष्ठा जी गलत काम को तैयार नहीं होते, सरकारें रेगुलाइज नहीं कर सकती, रेगुलाइज नहीं कर सकती गलत काम को, इससे बढ़ावा मिलेगा, इससे बढ़ावा मिलेगा प्रतिष्ठा जी, बढ़ावा मिलेगा। कौन से ऐसे डाटा बता दीजिए, आपके डाटा बता दीजिए जो आपके पास सोर्सेज आए, उन सोर्सेज में ये समस्या आई, उसको आपने चर्चा नहीं की, शांति धारीवाल जी ने उसकी चर्चा नहीं करी है? हमने तो कहा कि चर्चा कर लीजिए, आगे इसको भेज दीजिए बिल को, ये एक सामाजिक है महिलाओं के लिए, 2016 बाल विवाह इससे बढ़ेगा कम होगा? 18 के डाटा आप निकलवा के देखिए कि आपने रजिस्ट्रेशन किए हैं कि नहीं है, ये संशोधन वो तो मतलब आप रियलाइज कर रहे हो क्या? एज ग्रुप हटा के सिर्फ 21 से 18 ही तो किया है, ठीक है, ठीक है। प्रतिष्ठा जी, अशोक जी आपकी बातों को सुन लिया, काफी देर से राहुल जी भी बैठे हुए हैं, राहुल जी से जरा जी, प्रतिष्ठा जी और अशोक जी आपने अपनी बात को रखा, अब जरा राहुल तालान जी बैठे हुए काफी देर से, उनसे भी उनका ले लेते हैं, उनका वर्जन उनका टेक क्या है इस पर। राहुल तालान जी ये बताइए, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, इसको थोड़ा सा विश्लेषण करके इसका बताइए कि वो कौन सी सरकार की मंशा है जहां पर ये कानून लाया जाता है? विपक्ष का कहना है कि इसके जरिए बाल विवाह को बढ़ावा मिलेगा, सरकार का तर्क है कि नहीं, इसके जरिए जिनकी शादी हो भी जाती है तो उनको उनके पास एक सर्टिफिकेट रहे कि आगे चल के इन फ्यूचर किसी तरीके की कोई परेशानी ना आए। दोनों के अपने अपने तर्क है, लेकिन इस पर आप क्या देखते हैं, किस नजर से देखते हैं? देखिए, सामाजिक नजरिए से आप बाल विवाह को बिल्कुल अच्छा नहीं कह सकते, इसके लिए चाइल्ड मैरिज एक्ट बना हुआ है, इसकी रोकथाम के लिए। अगर जो आप 18 से कम साल की बच्चों की शादी कर देंगे तो पॉस्को का भी उल्लंघन होता है, आप कानून का मतलब उल्लंघन करते जा रहे हैं। अब देखिए, मैं प्रतिष्ठा जी से एक बात कहना चाहूंगा कि डिफेंड द डिफेंडेबल, आप उसको डिफेंड करिए ना जो डिफेंड हो सकता है। एक सरकार जब ऐसे बोलती है, सरकार से जुड़े लोग ऐसे बोलते हैं कि शादी हो जाती है, चार लड़कियों के साथ एक लड़की की शादी हो जाती है, देखिए कानून इसलिए बनाए गए, कानून इसलिए बनाए गए ना कि उन पर रोक लगे। रोक लगाना किसका काम है? प्रशासन का काम है, पुलिस का काम है। और ये किसके अंडर आते हैं? सरकार के अंडर आते हैं। अगर जो एक भी बाल विवाह होता है तो ये सरकार का फेल्योर है, सरकार उसको डिफेंड नहीं कर सकती है कि हम कम एज में एक रजिस्ट्रेशन का ये निकाल देते हैं और फिर जो आप सबसे पहले कानून का उल्लंघन हो रहा है, उल्लंघन के बाद आप उसको रजिस्ट्रेशन करके एक और कानून का उल्लंघन कर दे रहे हैं। तो आपको करना क्या है, किसी भी सरकार को, देखिए भारत विश्व में ऐसा 5 देशों में शामिल है जहां बहुत ज्यादा बाल विवाह होते हैं, तो हमें ये सब देखना है कि रोकना कैसे इन सारी चीजों को। रोकने के लिए आपके पुलिस है, प्रशासन है, LIU है। अगर जो शादी हो कैसे जाती है, आपकी LIU काम नहीं कर रही, आपकी पुलिस काम नहीं कर रही, आपका प्रशासन काम नहीं कर रहा है, तो अगर जो ये सारी चीजें हो रही हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि रोकने के लिए हमें क्या करना है। आप उसको ना एक सर्टिफिकेट देके अब जामा पहनाने की कोशिश मत करिए कि इसको वैलिडेट कर देते हैं, जो चीज वैलिडेट नहीं हो सकती। देखिए, हम अगर जो एक जब आप प्रोग्रेसिव स्टेट और प्रोग्रेसिव माइंड की बात करेंगे तो इन सारी चीजों से हमें दूर हटना ही होगा। देखिए, बाल विवाह निश्चित तौर पे 18 साल से कम लड़की जिसकी एज है, कम एज है, उसकी आप शादी कर देते हैं, ना तो वो बहुत ऐसी होती है कि सारी चीजें संभाल ले, और ना वो कि ना उसका शरीर ऐसे विकसित होता है कि वो बच्चे भी पैदा हो सके उसके साथ। और फिर सबसे बड़ी बात, जब बच्चे भी पैदा हो जाते हैं तो मैलन्यूट्रिशन, लेडीज के साथ मैलन्यूट्रिशन का शिकार लेडीज हो जाती हैं, औरतें होती हैं जिनकी कम एज में शादी होती है, फिर बच्चे भी मैलन्यूट्रिशन का शिकार होते हैं। तो आप इस तरीके से देश को ना एक तरीके से कमजोर कर रहे हैं। तो हमें ये सारी चीजें देखने की जरूरत है, जब तक हम ये नहीं देखेंगे। सरकारों का काम क्या है? प्रोग्रेसिव होना। सरकार आप उसको पुराणपंथी सोच के तरह एक समाज के, देखिए
पहले बाल विवाह होते थे, फिर हमें समझ में आया कि भाई बाल विवाह बहुत गलत बात है और ये नहीं होना चाहिए और इससे समाज बहुत अच्छे से विकसित नहीं होता है, लड़कियां बहुत अच्छे से विकसित नहीं होती, उनका दिमाग विकसित नहीं हो पाता है उतना, और जब अगर जो उन पर शादी का बोझ डाल दिया जाता है तो फिर हमें ये चीज समझ में आई, तब हमने चाइल्ड मैरिज एक्ट बनाया था। जब बनाया था तो उसके पीछे कोई रीजन थे ना, तभी तो वो बनाया था। जब आप ऐसी चीजों को डिपेंड करने लग जाएंगे जो डिपेंडेबल है ही नहीं, तो ये इस पे क्या कर सकते हैं ये सरकारों की, इस पे तो सिर्फ यही कि बोला जा सकता है कि ये बिल्कुल गलतफहमी में है कि आप स्टेट को प्रोग्रेसिव करिए, माइंड को प्रोग्रेसिव करिए, एजुकेशन को बढ़ाइए, उन सारी चीजों पे करिए ना। अगर जो आप ये सोचते हैं कि बिल्कुल राहुल जी ठीक है, देने से ठीक है राहुल जी। तो प्रतिष्ठा जी आपने सुना, राहुल जी आपको बता रहे थे कि अधिकारियों का जिनका काम दरअसल ये है कि वो कानून का पालन कराएं, उनका काम दरअसल ये है कि वो अगर कोई गलत चीज हो रही है तो उसको रोकें, कानून का उल्लंघन हो रहा है तो वहां जाएं, उनको पकड़ें, उनको रोकें। लेकिन आपने अधिकारियों को लगा दिया है रजिस्ट्रेशन कराने में, आपने अधिकारियों को लगा दिया है सर्टिफिकेट बांटने में, बताइए। ऐसा नहीं है कि अधिकारियों को ये कहा कि आप बाल विवाह होने दीजिए, ये किसी अधिकारी को ऐसा सर्टिफिकेट तो आप दे रहे हैं, सर्टिफिकेट तो दे रहे हैं। हमने आप इस चीज को देखिए कि इसमें सिर्फ संशोधन ही किया गया है, 21 से 18 एज की गई है, इससे ज्यादा हमारी सरकार ने इसमें कुछ नहीं किया है। ये मैंने पहले भी कहा था, कुछ भी क्यों किया है, अगर कोई चीज गलत थी तो उस पर रोक लगा सकते थे, उस पर विराम चिन्ह लगा सकते थे, उस पर कुछ भी क्यों किया गया, लड़की की मॉडिफिकेशन की जरूरत ही क्या थी, अगर कोई चीज गलत है तो मॉडिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं थी। आप ये बताइएगा प्रतिष्ठा जी, शारदा एक्ट जब हमारा देश आजाद हुआ है उससे कई वर्ष पहले 1928 में ये सोच लिया गया था कि बाल विवाह गलत है, इसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता है, तब शारदा एक्ट लेकर आए, उसके बाद मॉडिफिकेशंस हुए 1978 में, इसके बाद बार बार इसमें मॉडिफिकेशंस करते गए, अब 2006 में भी इसके लिए कानून आया। तो अब जब हम लोग इतने सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं बाल विवाह को रोकना है, बाल विवाह को रोकेंगे कैसे, इसके लिए गली गली गांव गांव नुक्कड़ नुक्कड़ जाकर लोगों को समझाया गया, बताया गया, उन्हें जागरूक किया गया कि जब एक सर्टेन एज लिमिट है उसी के तहत आप शादी करिए, उस कानून की जानकारियां दी गई, गांव देहात जाकर जानकारियां दी गई। तो अब ऐसे में इस कानून की क्या जरूरत पड़ी थी, ऐसी कौन सी चीज आपको लगी, ऐसा कौन सा उद्देश्य आपको दिखा इतना बड़ा कि आप किसी चीज को जो गलत है उसको वैलिडेट करने की बात करते हैं। कोई चीज अगर गलत है तो उसको कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं, कोई चीज अगर गलत है तो उसको कैसे आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं, सिंपल पॉइंट है। गलत है लेकिन अपन इतने सारे कानून के बावजूद भी क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि क्या वाकई में बाल विवाह रुक गए? क्या मैडम बाल विवाह तो आप खत्म करिए, अगर बाल विवाह नहीं रुक रहा है आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, मेरा वही तर्क है कि अगर ऐसे तो चोरी भी नहीं रुकी है, डकैती भी नहीं रुकी है, लूट भी नहीं रुके हैं, मर्डर्स भी नहीं रुके हैं, तो उसको भी सर्टिफिकेट दीजिए। नहीं ये लूट जैसे काम है क्या, ये आप ऐसी बात कर रहे हो, आप एक महिला के दृष्टिकोण, बाल विवाह महिला की दृष्टि से देखूं या पुरुष की दृष्टि से देखूं, किसी भी दृष्टि से देखूं उसको गलत लगता है। मैं कह रही हूँ गलत है, बाल विवाह पूर्ण रूप से गलत है। जब आप गलत बोल रहे हैं तो इसमें शादी हो गई, गलत को लीगलाइज कैसे करोगे लड़के? मैडम अगर हो गई तो उसके लिए सजा का प्रावधान है, उसमें सजा दी जाती है। एक मिनट प्रतिष्ठा जी, अगर बाल विवाह हो गया है तो उसमें सजा का प्रावधान है, उसमें मुकदमा होता है। सजा का प्रावधान हटाया नहीं गया है, सजा का प्रावधान हटाया नहीं गया, आप उसको पूरे अच्छे से पढ़िए। ठीक है प्रतिष्ठा जी, प्रतिष्ठा जी एक प्रतिष्ठा जी प्रतिष्ठा जी वो 21 से हटाकर 18 पर लेके, ठीक है ठीक है ठीक है, आप 21 से 18 पर है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ प्रतिष्ठा जी, लड़के अभी रजिस्ट्रेशन, उस टाइम लड़के ही रजिस्टर्ड करा सकते थे मैरिज को, अब लड़कियां भी करा सकती है, तो ये लड़कियों को एक राइट मिला है, आप उसका विरोध कर रहे हैं कि हमने गलत कर दिया। आपने बीजेपी की जब गवर्नमेंट, आप एक बात समझिए, आपने कहा कि पहले लड़के रजिस्टर करा सकते थे अब लड़कियां करा सकती है, पहले बात तो लड़के लड़की ना बोलकर उनको बच्चा बच्ची बोलिए, 18 साल की एज में लड़कियां रजिस्ट्रेशन करा सकती है, उनका तो वैसे ही है 18 प्लस तो ओके, वो लीगलाइज हो गया, वो तो करा ही सकते हैं, लेकिन 18 से नीचे, लड़की की नीचे की बात हो रही है ना, नहीं 18 से नीचे। अच्छा ठीक है प्रतिष्ठा जी, बहुत क्लियर रखते हैं, 1-to-1 थॉट करते हैं, जब तो बाल विवाह होगा। अशोक जी एक मिनट रुकिएगा, प्रतिष्ठा जी 1-to-1 करते हैं, एक बात बताइए, इसको आप गलत मानती हैं, बाल विवाह गलत है हाँ या ना? बाल विवाह पूर्ण रूप से गलत है, बाल विवाह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। ठीक है
चोरी करना लूट करना गलत है हाँ या ना? बिल्कुल गलत है। दोनों चीजें इलीगल है हाँ या ना? बिल्कुल इलीगल है। ठीक है, चोरी के लिए लूट के लिए आप कभी भी रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका सर्टिफिकेट देंगे हाँ या ना? कैसी बात कर रहे हैं आप, चोरी और लूट के लिए सर्टिफिकेट, चोरी और लूट और सिंपल एक ही चीज में मानते हैं आप एक्सपोज हो रहे हैं अपने आप को, खुद ही कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब दीजिए, मेरी बात सुनिए, मैं दे रही हूँ आपकी बात का जवाब। दोनों चीजें इलीगल है, दोनों चीजें लीगल नहीं है, दोनों के अगेंस्ट में कानून है। चोरी चोरी एक अलग चीज है और शादी दूसरी चीज है। अरे एक बात बताइए, शादी को एक ही मानते हैं क्या? एक ही मानते हैं कि आप चोरी और शादी को? अरे शादी नहीं मैम, बाल विवाह। बाल विवाह मैं किसी भी दृष्टि से देखूं, किसी भी दृष्टिकोण से देखूं, किसी भी सियासी चश्मे से देखूं, मुझको गलत ही लगता है। मैं कुछ नहीं समझता, इलीगल है, दोनों चीजें इलीगल है, कॉग्निजेंस क्राइम है। लीगल नहीं माना है हमारी गवर्नमेंट ने, 2 साल की सजा हो जाती है, आप क्या बात कर रहे हैं? बाल विवाह को लीगल नहीं माना है, लेकिन सिर्फ रजिस्ट्रेशन की बात हुई है, वो 21 से घटाकर 18 की गई। मैं वही तो कह रहा हूँ कि आपने चोरी लूट डकैती इसको भी लीगल नहीं माना है, लेकिन इसके लिए आप सर्टिफिकेट नहीं बांटते। चोरी लूट डकैती के लिए सर्टिफिकेट बांटने की मतलब ऐसा कोई चीज ही नहीं है। आप इनोसेंट आदमी को भी सर्टिफिकेट नहीं बांटते, सर्टिफिकेट जिस चीज पे लागू होगा उसी को तो करेंगे ना आप। बाल विवाह में सर्टिफिकेट कैसे लागू होता है? सवाल मिला नहीं मैम, अनसुना कर दिया, डिस्कनेक्ट हो गए। चलिए कोई, तब तक हम अशोक जी पर आते हैं। जी अशोक जी कुछ कहना चाहेंगे? अशोक जी अगर आप कुछ टिप्पणी करना चाहें इस पर, क्योंकि कानून जो है वो तो शक ले चुका है, रजिस्ट्रेशन तो कराना ही है। देखो आप देखिए कि जिस प्रकार से मान लो बाल विवाह हुआ तो अनलीगल तो ही, जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया उसका रजिस्टर हो गया तो ठप्पा मिल गया, चाहे सजा हो गई जुर्माना लग गया, वो बात अलग चीज है। उन्होंने कह दिया ऐसा मैरिज हो गई हमारी, तो इस समय समाज में मैसेज क्या जाएगा? मैसेज गलत जाएगा, बात इस चीज की है। और ये कांग्रेस सरकार आज भी कर रही है, 1 लाख से ऊपर तो महिलाओं के खिलाफ इन 2.5-3 साल के अंदर केस दर्ज हो चुके हैं, 19,000 के लगभग रेप के अंदर केस दर्ज हो चुके हैं, राजस्थान नंबर 1 आ रहा है, उसकी तो इनकी चिंता नहीं है, कैसे बचाया जाए? अशोक साहब जब आप सरकार में होते तब आपके पास आंकड़े नहीं आते, या आप भूल रहे हैं? आप 1 साल का जिक्र क्यों कर रहे हैं? आप जब आपकी सरकार थी, आप जब उनका भी जिक्र कीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है, पूरे राजस्थान की समस्या है। मैं कह रहा हूं अपराध होते थे, लेकिन जो नंबर 1 का जो अपराध का टीका जो लगा है रेप के मामले में, जो राजस्थान का लगा है 5300 केस रजिस्टर्ड, यूपी में 27 आप आंकड़े बताइए, आपने कार्रवाई करी, बीएससी की कार्रवाई करी, जिसने गलत एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके खिलाफ दर्ज कराई है, नहीं करी ना, तो आप कैसे गलत पाए गए हैं? एफआईआर लगी, तो आपने कार्रवाई करी क्या भाई? उसका मिसयूज किसने किया, उसके खिलाफ कार्रवाई करी क्या आपने? बता दीजिए सरकार ने करी कार्रवाई? ये तो करे कार्रवाई। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि आप एक सेकंड पहले आप एक बार जवाब दीजिए, आप मुझे भी जवाब दीजिए, आपकी सरकार थी तो क्या आपने एक भी मामले पे एफआईआर नहीं लगाई, और जिस पे लगाई उस पे कार्रवाई की? आपका तो रेशो है ना 40% का, 40% को रेशो नहीं होता था उस समय, 8 या 10% से ज्यादा नहीं होता था रेशो। उस टाइम एफआईआर दर्ज की आपको एक बात बताता हूँ अशोक जी आपने नंबर 1 रेप कहा कि बीते 1 साल से, अशोक जी सुनिएगा ठीक है, प्रतिष्ठा जी और हर मामले पर पूर्ण रूप से एकदम नजर लगा के रखते हैं, और हर कार्रवाई हर मुजरिम के खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन आप कहते हो कि गलत अगर एफआईआर हो जाए उस पे भी कार्रवाई हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं होता। और कल आपके कार्रवाई करने वालों को तो आपने रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बैठा दिया। एक मिनट रुकिएगा प्रतिष्ठा जी, प्रतिष्ठा जी गलत एफआईआर ठीक है, क्या उस पे जांच सही नहीं होगी? ठीक है प्रतिष्ठा जी, रुकिए, कार्रवाई करेगी आपने उसके खिलाफ जिसने गलत लिखवाई है? प्रतिष्ठा जी रुकिए, अशोक जी प्रतिष्ठा जी एक मिनट, अशोक जी सरकार ने कितनी कही थी? अशोक जी यहाँ पर 8 से 10% बता रहे हैं आप, 40 बता रहे हो, पैसे ले रहे हैं,
थाने वाले। चलो आपने 8 से 10% पे कार्रवाई की थी क्या? आपने 8 से 10% बताओ, एक भी बताओ नाम मेरे को। मैं कह रहा हूँ कार्रवाई करिए, आंकड़े बता रहे हैं हमको, आपको 8 से 10% पे लगी है, आप 40% कहाँ से ले गया आगे? हमने रेशो कम किया, किसी ने किया, हमने रेशो कम किया, आपने रेशो बढ़ाया। ठीक है, ठीक है, 10 से 40 राहुल जी बताते हैं, ठीक है, FIR लिखना ही नहीं देते, इसलिए रेशो तो कम ही रहेगा, लेकिन अगर किसी के साथ गलत बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के साथ एक ही समस्या है, किसी भी मंच पर बैठा दीजिए दोनों आपस में ही, किसी मुद्दे पर एक वाजिब बहस नहीं हो पाती। ठीक है राहुल जी, एक बात बताइएगा राहुल तालान साहब, ये बताइए राहुल तालान साहब जी राहुल साहब ये बताइए कि जो चीज साफ दिखती है कि गलत है, उसको कोई भी आप उस पर तर्क ढूंढ कर ले आए, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आप उसका एक फैक्ट लेकर आए कि ये देखिए ये तर्क हो सकता है, वो तर्क क्यों होना चाहिए कि जिसके जरिए गांव कूचे में अगर कोई बैठा है, गांव कूचे में कोई चचा है, ताऊ है, कोई छोटे छोटे बच्चे हैं, जिन पर बहुत मुश्किल से संदेश पहुंचा पाया गया था कि चाइल्ड मैरिज इल्लीगल है, राजस्थान में बहुत मुसीबतों से बहुत मुश्किलों के साथ एक गांव तक यह मैसेज पहुंचाया जा सका था कि चाइल्ड मैरिज इल्लीगल है, अगर आप करते हैं तो आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है, लेकिन अब अगर उन तक यह मैसेज पहुंचता है कि इस चीज के लिए चाइल्ड मैरिज के सर्टिफिकेट बटते हैं, जिले में जाइए, डीएम दफ्तर में जाइए, वहां पर एक फॉर्म भरिए और वहां पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि लीजिए चाइल्ड मैरिज हो गई है, तो कहीं ना कहीं यह संदेश गलत भी तो जा सकता है, अगर हल्की सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो इसके जो परिणाम होंगे वो कितने गलत होंगे। राहुल जी बिल्कुल, देखिए जो अभी तक के प्रयास हैं विभिन्न सरकारों के या समाज के, उन पे सब पे पानी फिर जाएगा अगर जो ऐसा मैसेज चला जाता है। बहुत बड़ी लड़ाई थी जिसको लड़ा गया और आज इस तरीके से सरकार के एक छोटे से फैसले से कितना गलत मैसेज जा सकता है। राहुल जी बिल्कुल, देखिए इसीलिए नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट प्रोटेक्शन NCPCR, इसीलिए और बहुत सारे लोग इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात भी कर रहे हैं कि वहां जाके इसको सुप्रीम कोर्ट इस पे डिसाइड करे कि ये कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। देखिए बिल्कुल इल्लीगल है ऐसे अगर जो कुछ भी किया जाता है। देखिए ये दो पार्टियों की बात नहीं है, एक पार्टी अपनी चीज को सही ठहरा रही है, दूसरी गलत ठहरा रही है उस चीज को, और पिछले सारे की इतने रेप हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, देखिए सामाजिक बुराई है। आपको जो सामाजिक बुराई है तो जो पॉलिटिकल जो भी हमारी लीडरशिप है वो पक्ष की सही, विपक्ष की सही, सत्ताधारी सही, विरोधी सही, उनको सबको एकजुट खड़ा होना चाहिए, क्योंकि समाज जब तक डेवलप नहीं करेगा तब तक आप सारी चीजों से कोई भी मुक्ति नहीं पाएगा, और समाज मुक्ति नहीं पाएगा तो हम सब इसी पे बहस करते रहेंगे कि भाई ये सारी चीजें वो बाल विवाह क्यों हो रहे हैं, रेप क्यों हो रहे हैं, इनसे जब तक इन सारी चीजों पे हम बहस करेंगे तब तक देखिए सरकारों को क्या है, सरकार विपक्ष जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी एकजुट होना पड़ेगा, और देखिए जो भी समाज से रिलेटेड जो भी चीजें जो भी कानून बन रहे हैं उनको ना थोड़ा पब्लिक डोमेन में लेके आना चाहिए, पहले उन पर बहस होनी चाहिए, ऐसा नहीं है आप उनको विधानसभा में लेकर पारित कर दिया और फिर उस पर बाद में डिबेट हो रही है। अगर जो आपको कुछ ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, हमारे नेताओं को ऐसा लगता है, विधानसभा के सदस्य और मुख्यमंत्रियों को, जो विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनको लगता है कि भाई कुछ संशोधन किए जाने की जरूरत, तो आप समाज के पटल पे लेके आइए, बहस करने दीजिए, मीडिया को बहस करने दीजिए, ओपन डिबेट होने दीजिए, कुछ दिन वेट कर लीजिए, ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारी चीजें अचानक से बदल जाएंगी। आपने अगर जो जैसे कानून बना दिया तो उससे ऐसा तो है नहीं कि बदलाव एक साथ आ जाएगा, तो उसको पहले बहस के प्लेटफॉर्म पे ले आइए, अगर जो बहस के प्लेटफॉर्म पे आता है समाज में आता है, समाज से कर लेगा क्या होगा, अगर जो आपको लगता है उस पर एक बार चुनाव भी लड़ बिल्कुल 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 राहुल जी, अगर जो वाजिब बहस होनी चाहिए थी, समाज बताएगा क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है। बिल्कुल राहुल जी, एक वाजिब बहस होनी चाहिए थी, ये सामाजिक बुराई है, इस पर किसी पार्टी का कोई रोल नहीं है, सबको मिलकर लड़ना चाहिए था, लेकिन इस तरीके के कानून से क्या गलत मैसेजेस जाएंगे, इससे हम भी वाकिफ हैं, आप भी वाकिफ हैं, और प्रतिष्ठा जी जैसे कि अभी बात बता रही थी वो तरह तरह के तर्क दे रही थी, जो तर्क नहीं लग रहे थे दरअसल कुतर्क लग रहे थे, क्योंकि उनका कुछ भी निकलकर एक वैलिड पॉइंट निकलकर सामने नहीं आ रहा था, तो इस चीज के पीछे क्या ही तर्क हो सकता है कि बाल विवाह को जस्ट बिकॉज आप कहने लगे कि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो तो इसलिए सर्टिफिकेट दे देते हैं, तो यह चीज ही गलत है बिगिनिंग से, यह चीज ही गलत है शुरुआत से, क्योंकि अगर आप किसी चीज के सर्टिफिकेट बांटने लगेंगे तो गांव देहात में जो पंडित जी बैठे हैं, गांव देहात में जो राणा जी बैठे हैं, जो शेखावत साहब बैठे हैं,
उनके कानों तक अगर ये मैसेज चला गया कि सरकार जो है अब सर्टिफिकेट बांट रही है, सरकार जो है वो अब इस चीज को रजिस्टर कर रही है, सरकारें जो हैं अब इस चीज को मान्यता दे रही है, तो इसके क्या परिणाम होंगे? अगर ये मैसेज चला गया तो एक बार फिर जो राजस्थान में बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए जो एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई जिसमें कई लोग शामिल थे, हर पार्टी के बड़े बड़े नेता शामिल थे जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी, उनकी लड़ाई का अब जाकर क्या फाइनल टेक होगा, क्या होगा? और जैसा कि बीजेपी और सपा कांग्रेस के हमारे दोनों साथी हमारे सामने बैठे थे, दोनों के अपने अपने तर्क थे, आरोप प्रत्यारोप थे, लेकिन इस चीज से आप इंकार नहीं कर सकते कि एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि राजस्थान रेप के मामलों में नंबर वन है। इस चीज से आप इंकार नहीं कर सकते कि राजस्थान में चाइल्ड मैरिजेस टॉप पर है। इस चीज से आप इंकार नहीं कर सकते कि खा पंचायतों के चलते ऑनर किलिंग भी राजस्थान में सबसे ज्यादा होती है। इस चीज से आप इंकार नहीं कर सकते कि राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ होने वाले क्राइम उसका जो रेशियो रेट है वो टॉप है। तो जब इतनी सारी चीजें हैं तो कांग्रेस सरकार और अभी जो हमारे साथ थी प्रतिष्ठा जी, आपको वो कौन सा चश्मा है, वो कौन सा महिला दृष्टिकोण है आपका? प्रतिष्ठा जी आप सुन पा रही हैं मुझको? जी प्रतिष्ठा जी, आपने महिला दृष्टिकोण की बात की थी कि महिला दृष्टिकोण से देखिए, महिला दृष्टिकोण से देखिए। मैं किसी भी दृष्टिकोण से देखूं, पुरुष के दृष्टिकोण से, महिला के दृष्टिकोण से, मुझको गलत लगता है। लेकिन इसके साथ ही अगर आप महिला दृष्टिकोण की बात करती हैं तो मैं एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें था कि रेप के मामले में राजस्थान टॉप पर है, चाइल्ड मैरिजेस के मामले में राजस्थान टॉप पर है, खा पंचायत में जो ऑनर किलिंग की बातें जो सबसे ज्यादा उठती हैं उस पर राजस्थान टॉप पर है, महिला विरोधी जो चीजें होती हैं, गतिविधियां होती हैं, उस पर भी राजस्थान टॉप लिस्ट में शामिल है। तो जब इतनी सारी चीजें महिला विरोधी हो रही हैं तो वहां आपका महिला दृष्टिकोण कहां जाता है? सरकार का महिला दृष्टिकोण वहां पर कहां चला जाता है? अब जहां पर अधिकारियों को कार्रवाई में लगाया जाना चाहिए था, जहां पर अधिकारियों को इस चीज में लगाया जाना चाहिए था कि कैसे बाल विवाह के ग्राफ को जो 20% तक हम लेकर आए आजादी के बाद से लेकर आज तक, उसको और ज्यादा कम कैसे करें, बजाय इसके कि आप अधिकारियों को लगाएं कि वो बैठ के दफ्तरों में सर्टिफिकेट्स बांटे। ये किसी भी लॉजिक से, किसी भी तर्क से, किसी भी डेटा से, किसी भी स्टैट से कैसे भी आप इसको वैलिडेट नहीं कर सकते, कैसे भी आप इसको राइटली सेड नहीं कह सकते। आखिरी में एक एक कॉमेंट अगर आप देना चाहें प्रतिष्ठा जी। मैं आपसे, मैंने पहले भी बोला था, आप इसको पूरा पढ़िए। सरकार ने सिर्फ संशोधन किया है, ये कानून कांग्रेस सरकार का लाया हुआ नहीं है, बीजेपी का लाया हुआ है। और दूसरी, आपने बाल महिला रेप की बात की थी, उस दिन भी मैं डिबेट पे गई थी, 43% एफआईआर लगी है। अब आप खुद ये देखिए, आप टीवी पर नहीं, आप एक जनरल जो लाइफ है उसके अंदर जाके देखिए कि क्या सारे मामले आप मानते हैं कि सत्य होते हैं। कुछ चीजें ऐसी भी होती है कि जो दुर्भावनावश या किसी द्वेषवश सत्य नहीं होते तो झूठे होते, जांच करके ही सत्य नहीं होते तो झूठे होते। गहलोत साहब की सरकार ने, गहलोत साहब ने, चलिए ठीक है, एफआईआर करना कंपलसरी कर दिया, इसलिए एफआईआर होना बढ़ गया। लेकिन आपको ये भी चीज मिलेगी कि बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पर एफआईआर सत्य नहीं है तो झूठे हैं। मैं यहीं पर अटका रहूंगा, सत्य नहीं है तो झूठे हैं, एफआईआर नहीं हो पाती। आपने कहा हर मामले सत्य नहीं होते, सत्य नहीं है तो झूठे हैं। एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगी कि राजस्थान सजा दिलवाने में भी चीजों को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करती हैं। प्रतिष्ठा जी आप चीजों को स्ट्रेच करती हैं, वन वर्ड पॉइंट पर रहते हैं। आपने कहा कि रेप के जो आप मामले बता रहे हैं, हर मामला सत्य नहीं होता, सत्य नहीं होता तो झूठे हैं। झूठ भी होते हैं, झूठे होते हैं, अच्छा हर मामला सत्य नहीं होता, ये मैं कह रही हूँ। और आप भी तो इनको भी आप वैलिडेट करिए फिर, हर मामला सत्य नहीं। आप जब टीवी स्क्रीन पर बैठकर एक नेशनल चैनल पर आप ये बोल रही हैं कि रेप के सारे मामले जो आप बता रहे हैं कि हम नंबर वन पर हैं, आप उसको इस तर्क के साथ डिफेंड कर रही हैं कि सारे मामले सत्य नहीं है, कैसे आप उसको डिफेंड करेंगे? मैं आपसे कह रहा हूँ कि राजस्थान में रेप के मामले में राजस्थान टॉप करता है कंट्री में, एंड यू आर डिफेंडिंग। आप कह रही हैं कि इसलिए क्योंकि सारे मामले सत्य नहीं होते, इस तर्क से आप कैसे डिफेंड कर रहे हैं? उसमें आप ये भी, आपने ये भी देखिए, आप जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं उसमें राजस्थान में सजा भी सबसे ज्यादा दी गई है रेपिस्ट को। राजस्थान कोर्ट ने फास्ट डिसीजन लिया है, सबसे ज्यादा सजा भी राजस्थान में दी गई है रेपिस्ट को। और रेपिस्ट चाहे कोई भी हो, बिल्कुल क्षमा प्रार्थी होता ही नहीं किसी लेवल पर।
लेकिन जिन मामलों में एफआईआर लगी है तो वो मामले कहीं ना कहीं किसी ना रीजन से कोई गलती दर्ज हुएंगे तभी एफआईआर लगी है। ऐसा नहीं कि सब ऐसे ही एफआईआर लग गई। 43% राजस्थान में जब से गहलोत साहब की सरकार बनी है, गहलोत साहब ने हर जब से गहलोत सरकार बनी है तब से स्वर्णिम काल आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रतिष्ठा जी। समय की कमी के कारण रोकना चाहूंगा। करो और उसके बाद आप उस पे डिसीजन लो। पहले एफआईआर ही दर्ज नहीं हो पाती थी हर महिला की, तो मामले कम रहते थे। एफआईआर जब से कंपलसरी हुई है मामले बढ़ गए, और सजा के मामले में राजस्थान पहले नंबर पे है, जो रेपिस्ट को सजा सबसे ज्यादा राजस्थान में दी गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रतिष्ठा जी। राहुल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अशोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत और चर्चा करने के लिए। आखिरी में ये बात कहना बहुत जरूरी है कि जो लड़ाई थी बाल विवाह के खिलाफ, जो फाइट थी वो बहुत मुश्किल से लड़ी गई, उसमें बहुत लोगों का योगदान रहा, बहुत लोगों ने इसके लिए काम किया, और इसी चीज के चलते ये जो लड़ाई थी इसको सफल माना गया। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस राजस्थान में बाल विवाह एक आम चीज थी, उसी राजस्थान में बाल विवाह का जो ग्राफ है वो 20% तक गिरा। लेकिन सरकार की एक छोटी सी भूल कैसे इस पूरी लड़ाई में मट्ठा डाल देती है, आप उस चीज से समझ सकते हैं कि कैसे गहलोत सरकार अब जब ये कानून लेकर आई है कि आप अगर बाल विवाह करते हैं तो इसको वैलिडेट किया जाएगा, इस पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, इसके लिए बाकायदा एक ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा जो आपकी बाल विवाह की जो पूरी कहानी है उसको दस्तावेजों की शक्ल देगा। फिलहाल के लिए इतना ही, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।